इमाम अबू हनीफा ने 40 साल तक इशा दे वजू दे नाल सज्जे दी नमाज अदा फरमाई। हजरत उवैस करनी गल रखो कि करण दे रहमण दे उवैस अलैकुम क्या हाल है ठीक हो तभी से ठीक है। मैं अब्दुल रहमान दे तुसरे वे मैं यूट्यूब चैनल सराकी विले लाइफ आज वीडियो स्टार्ट करने पहले सारे चैनल दा सब्सक्राइब कर गिन वाला शो करनी है वीडियो आज दा व्लॉग मैं आप इलाके दे विच मैं आप दे विच मतलब चक दे विच तो ए मैं आज महफिल मिलाद सारे आप पूरे चक दे जितने भी मेंबर सारे ना यो आप मिलाद कीते हूं मिलाद मैं बैंदा पिया तकरीर खान नाथ खान सारे नाल मैं मिलवे सा जितने भी हैं खसूसी जो खिताब है वह है पीर हसनैन शाह बुखारी जो कि पीर जगी दे रहायशी है ना उन्होंने मैं तो दसे सी पूरी तफसील बाद मैं तो सुनवे सो काफ़ी बहुत बड़े वली है ना नवी खिताब करने खिताब को स्किप ना करे सो खिताब मुकम्मल सुन सो तो वह आधे गए उन्होंने एक मैं एक नवी एक तकरीर आई वो तो मैं शॉर्टकट सुनवे साल ही मैं वो तो नहीं सुनवा सकता क्योंकि व्लॉग वे अजकल मेरा चैनल से आप डाउन कुछ चैनल अप थी जाए मतलब उत्ते थी जाए कुछ बल बाद में उतो कुछ तकरीर सुनवे सामने सीन देखो मैं हाली बह पियाँ सामने दरवाजे की एंट्री है माशाल्लाह अपने अपने कीड़े और इत्तेहाद की काश होती है कोई मक्के मदीने में तेरी कोरे थी खड़ दे किना कोई इमाम और अंबिया घर बैठे मक्के की भी ज्यारत पर मैंने मदीने तैयबा की भी ज्यारत पर हजरत इमाम अबू हनीफा को इमाम और अंबिया ने 120 मरतबा जहन बातन ज्यारत फरमाई। इमाम अबू हनीफा को तक किसी भी हदीस की तदबीर और तशरीफ न फरमाए जब तक इमाम और अंबिया की ज्यारत मुबारक का शर्म नसीब नहीं होता। इमाम अबू हनीफा ने 40 साल तक इशा दे वजू दे नाल सज्जे दी नमाज अदा फरमाई। यकीन फरमाए अकीदा रखने ता सहाबा इकराम वाला रखो अकीदा रखने ता अंबिया इकराम वाला रखो अकीदा रखने औलिया उजाम वाला रखो अकीदा रखने नबी दे यारा वाला रखो रिश्तेदार वाला रखो अकीदा रखने हजरत अबू बकर सिद्दीक वाला रखो उम्र फारूक वाला रखो उस्मान गनी वाला रखो मौला अली वाला रखो। सुभान अल्लाह इमाम अंबिया ने एक मरतबा मस्जिद नबी ने फरमाया कि आज तू 11 साल बाद नबी को पानी की जरूरत हो सी। हजरत सिद्दीक अकबर 11 साल खत्मे नबूवत दे दरवाजे दे पानी दा मशकीजा गिनते खड़े रहे। अकीदा रखने ता हजरत उवैस करनी वाला रखो कि करण दे रहमण दे उवैस करनी इतला मिली के इमाम अंबिया दा गदबाई ओह दे विच इक दंदान मुबारक शहीद हो गई है। उवैस करनी ने हिक के करके सारे दंदान शहीद कर दिते के इमाम अंबिया दा केड़ा दंदान मुबारक शहीद। सुभान अल्लाह रखने ता हजरत सुलेमान फारसी वाला रखो के फारिस दे रहमण वाले सुलेमान फारसी ने मदीने तैयबा जुस्तजूए मुस्तफा दे विच इश्क और मुहब्बत दे मुस्तफा दे विच अकीदा दे मुस्तफा दे विच मदीने तैयबा के खूब चराए उठ चराए क्योंकि उठ चरावना इमाम और अंबिया दी सुन्नत मुबारक है भाई। सुभान अल्लाह अकीदा रखने ता हजरत बिलाल वाला रखो इमाम और अंबिया ने फरमाया बिलाल तू कितनी अच्छी इबादत करे ने तेरी इबादत अल्लाह को कितनी पसंद तू मक्के दी मस्जिद इच सज्जे दी अजान वास्ते गई है तेरे कदमा दी आहट में मोहम्मद आरिशे औला ते सुनदा बैठा हां। सुभान अल्लाह इमाम और अंबिया जिस टाइम सफर मेराज ते तशरीफ ले गए इमाम और अंबिया ने फरमाया बिलाल तू कितनी अच्छी इबादत करे ने तेरी इबादत अल्लाह को कितनी पसंद तू मक्के दी मस्जिद इच सज्जे दी अजान वास्ते गई है तेरे कदमा दी आहट में मोहम्मद आरिशे औला ते सुनदा बैठा हां। सुभान अल्लाह और अकीदा रखने ता नवाब हुसैन वाला रखो के मैदान करबला दे विच 71 तन भी कुर्बान कर दिता सिर सजदे दी हालत विच या रब्बुल आलमीन इबादत कुर्बानियां अपनी बार गई इसकी विच कबूल मंजूर फरमा औ कुरान पाक तो रनवाई गिन दई से कोलिन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह कोलिन सलाती या रब्बिल आलमीन मेरी नमाजें व नोसो की और मेरी कुर्बानियां व महया या व ममाती और मेरा जीना मरना लिल्लाह रब्बिल आलमीन सिर्फ अल्लाह ताला की रजा दी खातिर कि वो मुबारक आयत मुबारक हैं जो इमाम हुसैन ने मैदान करबला दे विच बार बार तिलावत फरमाया औ कुरान पाक तो रहनमई गिंदे से मत समझो पीर साहब आइन में मसले सुनाते लगे गए मैं जनाब को कुरान पाक तो वजाहत लेना कि अल्लाह ताला दा फरमान नमाज पढ़ो कुरान पाक दी तिलावत करो अल्लाह ताला ने यकीनन दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाउणा है। कुरान को तो सब दोस्त बने देवे ना जी। आमीन।
नमाज पढ़ो कुरान पाक की तिलावत करो अल्लाह ताला ने यकीनन दुआ को शर्फे कबूलियत अता फरमाना है उतलुमा उहिया इलैका मिनल किताब वा के मिसला इन सलात तनहा अनिल फाशाए वल मुनकर वलजिकुल्लाह अकबर वल्लाहु यालमु मा तसनाऊ सुभान अल्लाह।